सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। बड़ौद के जेपी पब्लिक स्कूल की छात्रा खुशी तोमर ने विज्ञान वर्ग में जनपद टॉप किया, जबकि कॉमर्स वर्ग में वनस्थली पब्लिक स्कूल के छात्रा निशा राणा ने टॉप किया है। बड़ौद के जेपी पब्लिक स्कूल की छात्रा खुशी तोमर पुत्री हरेंद्र तोमर निवासी वाजिदपुर ने विज्ञान वर्ग में धमाल मचाते हुए 97.4% अंकों के साथ टॉप किया है। मेरा नाम खुशी तोमर है और मैं जेबी पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। जैसे रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का, कितने परसेंट आपके पास? सर, मैं पीसीएम स्टूडेंट एंड आई स्कोर 97.4%। किसको श्रेय देना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? ओनली माय स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। पापा क्या करते हैं? पापा एमटीएस ऑफिसर है। जितने भी आपके परसेंटेज आए हैं, कितने में सेटिस्फाई हैं आप, या कुछ और ज़्यादा मेहनत की हुई थी उतने आपको प्राप्त किया? यस सर, वैसे तो सेटिस्फाई हूँ, लेकिन यस आई एम सेटिस्फाई। ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चल चुका है, कितने सहमत हैं आप इस चीज़ से? आने वाला जो समय है लॉकडाउन के कारण हो सकता है आगे भी कैसा मानते हैं? सर, वैसे तो मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा कंसीडर करती हूँ। ऑनलाइन मैंने बहुत ज़्यादा कम पढ़ा। मैं मतलब सेल्फ स्टडी की, जो टीचर्स ने नोट्स दिए सिर्फ वही पढ़े मैंने और बस। घर का किस तरह से माहौल है, पढ़ाई में किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा। लड़कियों के लिए क्या संदेश? कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और जो अभी हमारी मतलब इस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन है, हम मुझे लगता है कि शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और मतलब सिर्फ हर जगह लड़कियाँ होनी चाहिए, लड़कों का तो नाम भी नहीं होना चाहिए। वही कॉमर्स वर्ग में वनस्थली पब्लिक स्कूल की छात्रा निशा राणा निवासी निरपुरा ने 97.2% अंकों के साथ टॉप किया है। मैं वनस्थल पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी साल मतलब कॉमर्स से पास आउट किया 12th, 97.2% मार्क्स के साथ। मैं मतलब इसका जो भी श्रेय है वो अपने टीचर्स को, स्कूल टीचर्स है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बहुत गाइड किया ये सब करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। मेरे पापा फार्मिंग करते हैं। हाँ जी। मैं इन फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। बेटियों के लिए संदेश है कि मतलब हमें अपने कंट्री का, अपने पेरेंट्स का आगे नाम रोशन करना चाहिए इन फ्यूचर, मतलब उन्हें गर्व प्राउड फील कराना चाहिए कि वे भी आगे बढ़े, हमारे पेरेंट्स को भी गर्व हो हमारे ऊपर। जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लास चल रही है, कितना सही बात है? ऑनलाइन क्लासेस मतलब अभी जैसे कंट्री में इतनी पैंडेमिक कोरोना वायरस चल रहा है तो काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी गाइड करती है, जिससे मतलब आगे उन्हें बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है इनके बुक्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। ऑनलाइन क्लासेस बहुत हेल्पफुल है। जिस तरह से बोर्ड ने लॉकडाउन के बीच परीक्षा परिणाम घोषित किया, उसने कहीं ना कहीं स्कूलों में जश्न के माहौल को तो फीका किया ही, लेकिन उत्तीर्ण हुए बच्चों की खुशी पर किसी तरह घबरे कि यह लॉकडाउन नहीं लगा सका। उत्तीर्ण हुए बच्चों ने अपने माता पिता और शिक्षकों से आशीर्वाद लेकर खुशी का इजहार किया। इस परीक्षा परिणाम के बाद मानो उत्तीर्ण हुए बच्चों के पंख निकल आए। जनपद टॉप करने वाले जेपी पब्लिक स्कूल के छात्रा खुशी तोमर का कहना था कि उसने बिना किसी अतिरिक्त ट्यूशन के यह सफलता प्राप्त की है और उसे इस मुकाम को हासिल करने में उसके मम्मी पापा व शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। खुशी तोमर आईएएस अफसर बन देश सेवा करना चाहती हैं। उसके पिता हरेंद्र तोमर एमटीएस अफसर हैं, जबकि मम्मी अंजू तोमर एक कुशल गृहिणी हैं। स्कूल संचालक इस परीक्षा परिणाम के बाद बेहद उत्साहित नजर। जेपी पब्लिक स्कूल में ढोल की थाप पर थिरकते हुए शिक्षकों व बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार किया।
जेपी पब्लिक स्कूल की निदेशिका शरण शर्मा का कहना है कि स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। वहीं वनस्थली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हर्षित जैन का कहना था कि स्कूल के शिक्षकों व बच्चों की मेहनत के बलबूते 100% परीक्षा परिणाम देने में स्कूल कामयाब हो पाया है। मेरा नाम हर्षित जैन है, मैं वनस्थली पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ। आज 12th क्लास के बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। हमारे वनस्थली पब्लिक स्कूल में 180 बच्चे थे, 180 बच्चों में 100% हमारा रिजल्ट रहा है। हमारे स्कूल की टॉपर निशा राणा रही है, जिसके 97.2% मार्क्स रहे हैं। कॉमर्स और विज्ञान में कितने बच्चे हैं सर? कॉमर्स में कौन टॉपर रहा है? हमारे यहाँ पे कॉमर्स में टॉपर रही है निशा राणा, और साइंस में हमारे यहाँ टॉपर रहे हैं हर्ष कश्यप और तेजिंदर, 96.2 के दोनों टॉपर रहे हैं। ये हमारे बच्चों की मेहनत, हमारे टीचर्स की मेहनत, जिन्होंने पूरे साल हमारे साथ एक फैमिली की तरह काम करा और हमारे साथ मिलजुल के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग चले। हम सभी अपने अध्यापकों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ इतनी मेहनत करते हैं, पूरे साल लगे रहते हैं हम लोगों के साथ। हमारी प्लानिंग से है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं बच्चों को, प्रॉपर हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं। हमने जून में बच्चों को प्रॉपर क्लासेस चलाई हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि हमने क्लासेस बीच में बंद कर दी। हम बच्चों को पूरी तरह जुड़े हुए हैं फ़ोन के माध्यम से और बच्चों को पूरी पढ़ाई करा रहे हैं। माउंट लिटराजी स्कूल के प्रधानाचार्य विनय चौधरी ने बताया कि विद्यालय के दिव्यांश मलिक ने सबसे अधिक 95% अंकों के साथ टॉप किया है, जबकि 83% के साथ परीक्षित जैन ने द्वितीय तथा इशिका सिंह ने 81% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्या नाम है? आई एम विजय तोमर, आई स्टडीड इन कुमकुम मोदी पब्लिक स्कूल। क्या अभी सीबीएसई बोर्ड 12th का रिजल्ट आया, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? आई गॉट क्वाइट गुड परसेंटेज। किसको श्रेय देना चाहते हैं सफलता का और कैसे आपने तैयारी की इस मुकाम को हासिल करने? ऑल द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, स्कूल स्टाफ, टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो। क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित? आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी थ्रू NDA। क्या कारण है आप आर्मी में जाना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है और मैं कुमकुम मोदी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। CBSE बोर्ड 12th का रिजल्ट आया है, स्कूल ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया? स्कूल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारे इस बार जो बच्चे अपेयर्ड हुए थे, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 20 थे, जिसमें और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए और इस बार जो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो रिमार्केबल है और सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि उनका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। और इसी के साथ जो है सभी कुमकुम मोदी परिवार के जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं उनको मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, दिल लगा के काम किया है, जिस कारण आज जो है स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जी सर, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के कारण जी, तो उसका भी कुछ प्रभाव स्कूलों की पढ़ाई पर, रिजल्ट पर दिखाई दिया? हाँ अमित, उसका भी प्रभाव है, बहुत प्रभाव पड़ा है उस पर, क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता है तो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि मुझे स्कूल जाना है। उसकी लाइफ पे उसका जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन हमने ऑनलाइन पढ़ाई जो है जारी रखी है। अब भी हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, हमारे टीचर लगातार मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को जितनी भी पॉसिबल, जो भी पॉसिबल है उनके लिए कर रहे हैं। हर तरीके से टीचर पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाता है, उनको पढ़ाता है, उनकी जो भी क्वारी होती हैं उनको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाता है। तो पेरेंट्स की हमने ऑनलाइन PTM भी कराई थी, जिसमें पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल देखने को मिला। हाँ, कुछ जगह नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है क्योंकि बड़ौत एरिया में इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, कुछ जगह इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इस बात की हमें खुशी है और हमारे गार्जियन इस बात की सराहना करते हैं कि बड़ौत में हमारा स्कूल जो है सबसे ज़्यादा अच्छी ऑनलाइन क्लासेस देने में सफल रहा है।